गुड मॉर्निंग। आज है 14 नवंबर और हम लोग हैं मदकोट में। सुबह का 7:23 हो रहा है और आज हम लोग थोड़ा आराम से उठे। कल बहुत थक गए थे हम लोग। आके ये वाला कमरा लिया 600 रुपये में, डबल बेड है, दो दो कंबल दिए थे अच्छे। रात को ठंड नहीं लगी, बड़ा कमरा है, बाथरूम टॉयलेट गर्म पानी सब है, 600 रुपये में अच्छा था। और ये बालकनी भी है और यहाँ से व्यू बहुत शानदार है। आज हम लोग जा रहे हैं जौल जीबी का मेला देखने के लिए। जौल जीबी का मेला आज से शुरू होता है, बोले यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। अभी रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, आज भी मज़ा आने वाला है। व्यू देखते हैं बालकनी से आसपास का मदकोट में। दरवाज़ा टाइट है। ये है, ये होटल की लॉबी है। ये है पार्किंग एरिया होटल का और ये है सब जो सामने दिखता है। ये साइड का है, दूसरी साइड का व्यू भी है। ये पूरा बालकनी है, ये दूसरी साइड का। अभी आज बादल लगे हुए हैं। ये दोनों साइड में नदी है, ये साइड भी नदी है और ये नीचे गोरी नदी है बड़ी वाली, जो 2013 में आपदा आई थी यहीं पर आई थी। ये है दूसरी साइड का नज़ारा 2013 में। अच्छा, वो है हिमालय, दूर हिमालय है इधर। और ये सारे गांव हैं आसपास के। ये नदी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। अभी हमारी ये सड़क है, ये सड़क से यहाँ से नदी के किनारे किनारे ही जाएंगे। आज जौल जीबी जा रहे हैं, वहाँ पर मेला देखेंगे। हाँ, 2013 में यहाँ पर बादल फटने से बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर गया था, जिससे लगभग आधा मदकोट दब गया था। अभी हम लोग मदकोट से निकले हैं। 3 दिन के बाद नहाया कल, इतनी ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी आगे को। तो आज अच्छा लग रहा है, स्विमिंग वगैरह किया। अभी हम लोग मदकोट से निकले हैं जौल जीबी की तरफ। आज देखते हैं जौल जीबी का मेला, काफ़ी फेमस है यहाँ। मदकोट वाले तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, देखते हैं। ये आगे की सड़क, अभी ये गौरी गंगा के किनारे किनारे ये सड़क है, वहाँ तक शायद जौल जीबी तक या फिर उससे आगे, देखते हैं कहाँ तक है। ये देखो पैदल चलने वाला पुल पुराना, ये जगह जगह पे पहाड़ों में मिल जाते हैं। कोई कोई पुल तो काफ़ी हिलते हैं, शायद ये भी हिलने वाला पुल है इसमें चलने में, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। लोग इससे काफ़ी ट्रैवल करते हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, नदी को पार नहीं कर सकते। आजकल भी पार नहीं कर सकते, ज़्यादा ही है पानी। ये सड़क झरने से अंदर से झरना, ऊपर से झरना आ रहा है पानी और नीचे से सड़क है। एक गांव है गौरी गंगा, ये गौरी गंगा है। ये पहाड़ों की ब्यूटी, मज़ा आता है, बहुत ही शानदार दिखता है। ये पूरन जा रहा झरने में, ऊपर से झरना बह रहा है और इसको बाइकिंग करना है उसकी। वाह, ये देखो मेरे पीछे एक झरना और मेरे पीछे दूसरा झरना, थोड़ा थोड़ा पानी। ये देखो ये सड़क है, वो साइड में झरना बह रहा है। ऐसे छोटे छोटे गांव सड़क के किनारे दुकानें मिलते रहते हैं पहाड़ों में, जहाँ भी आप ट्रैवल करोगे ऐसे हर जगह पर मिलते रहेंगे। पुल, गांव, छोटे छोटे पहाड़, अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। कितना प्यारा गाँव है, इस गाँव का नाम शेरा घाट है। अभी हम लोग मदकोट से करीब 15-20 किलोमीटर आगे आ गए हैं। ये नदी दिख रही है गौरी गंगा, अभी पानी बढ़ते जा रहा है, अभी काफ़ी बड़ा हो गया। सामने एक गांव है, वो जो आगे है 2013 में जो बादल फटा था, यहां पर काफ़ी नुकसान हुआ था, पूरा पहाड़ आ गया था, वो जगह है। अभी हम लोग वहां से जा रहे हैं,
ये है गौरी गंगा, बहुत प्यारी लग रही है। अभी पानी बहुत बड़ा हो गया है, कल मिलम ग्लेशियर में छोटा सा पानी था, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये यहाँ पर भी एक बादल पड़ा था 2013 में, यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ था। ये बुलेरो ऑफ रोड चली गई है रोड के उस पार, ये लोग रस्सी से खींच रहे हैं अभी रोड पे गाड़ी को, इतने सारे लोग। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जॉन जीबी में, 10 बजा है सुबह का, और ये कमरा लिया है हम लोग ने, एक चारपाई इधर है एक इधर है, इसका 800 रुपये लिया है इन लोगों ने, और अंदर टॉयलेट बाथरूम है, और खिड़की से नदी का नज़ारा, ये देखो नदी, ये काली नदी दिख रही है काली नदी, और यहाँ पर है ये मेला पास में। यहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं है, ऐसे ही इनके रूम खाली होंगे, किराए पर देते हैं, तो अभी मेले की वजह से इन लोगों ने होटल बना रखा है। लोग ज़्यादा आते नहीं हैं यहाँ पर, एक दो छोटे छोटे होटल हैं बस, हो गया, पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। क्या करते हैं, कोई आता जाता है तो अभी रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, होटलों में कोई नहीं रुकता है। अभी पूरन और मैं अभी जा रहे हैं जॉल जीबी का मेला देखने, अभी सीएम साहब 1:30 बजे आने वाले हैं बल कह रहे थे ऊपर, और जहां पर मेला होता है वो जगह पे हम लोग जा रहे हैं। अभी लोग दुकानें अपनी शुरू करने वाले हैं, सीएम साहब उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं बल, तो जॉल जीबी का मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है, बहुत पहले से होता है। मार्केट वगैरह देखते हैं अभी क्या क्या होता है। ये हैं लोग अपनी दुकानें लगाने लग गए हैं, मेला सीएम साहब वहीं पर आएंगे। ये है काली नदी जो भारत और नेपाल को अलग करती है, मतलब भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर है, और ये है जो मिलम ग्लेशियर से आती है गौरी गंगा, वो साइड और ये साइड दोनों मिला के यहाँ पर डिवाइड हुई है, यहाँ पर ये दोनों नदियों का मिलन है। पानी का कलर तो लगभग सेम ही है आजकल, क्योंकि सब बर्फ़ पिघल के आती है पानी आता है, दोनों का कलर सेम है, बारिश है नहीं ऊपर। तो ये जो संगम होता है यहाँ पर है, ये जगह का नाम है जॉल जीबी संगम। अब यहाँ से आगे को ये नदी महाकाली नदी बन जाती है, जो भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर है, वो साइड में पूरा नेपाल है, वो ये सामने नेपाल है और ये सब भारत है इंडिया। ये है गौरी गंगा जिसके किनारे किनारे हमने ट्रेवल किया, और वो है काली नदी। ये है जॉल जीबी, ये काफ़ी पुराने घर हैं, इस टाइप के घर हैं, पूरे लकड़ी से बने हुए, पत्थर लकड़ी और मिट्टी भी यूज़ नहीं की है इन्होंने, मिट्टी थोड़ा बहुत ही यूज की, क्योंकि ये पुराना है, सारे पुराने घर हैं। जॉल जीबी मेले में आपका हार्दिक स्वागत है, ये है मेले के लिए एंट्री, और ये है पहाड़ी बाजार है, ऐसे होती है पहाड़ों में बाजार। आज पुलिस का बंदोबस्त बहुत है क्योंकि सीएम साहब आने वाले हैं, ओह हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। अच्छा ये तो 350 350 का एक पैकेट ये पीस बना रखा है, एक पीस 350। अच्छा, और केसर क्या भाव दिए? केसर भी एक ही रेट दोनों। अच्छा, एक पता है, एक ग्राम भी नहीं है केसर, तो बहुत हल्का होता है। हाँ 350 का। हाँ, और ये क्या है? ये मुलेठी है साहब, मुलेठी। और ये गंदरान, ये धुन, ये धुन और गंदरान वो दाल को छौंकने के काम आता है। और ये क्या चीज है? ये कटके साहब, ये क्या काम आता है? जो है पेट में गैस और गैस से ही होता है। हाँ हाँ, हाँ गैस का तो हुआ हुआ, दूसरा काम जो है बुखार उतारने का, तीसरा काम जो है शुगर वालों के लिए हुआ है। अच्छा, और ये क्या चीज है? और ये डोलू कुमचोट में सेकता है। ये क्या चीज काम आता है? ये कहीं हाथ पैर में चोट लग गई, नील होता है ना। अच्छा, नील होने। अच्छा, और कटाई जी। हाँ एकदम मतलब। अच्छा, ये सब जड़ी बूटियाँ ठहरी। और ये ये वो है भूत केस, भूत केस। इससे क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? नजर भगाने वाला, नजर उतारने वाला। इससे कैसे नजर भगाएंगे? इसको ऐसा करना पड़ता है, एक दो कोयले आग रखा। हाँ, कोयले के ऊपर एक दो बाल खाली जला आगे। अच्छा, खाली सुंगाना हो। अच्छा, इससे भूत भाग जाता है। छोटे छोटे बच्चों के ताबीज में भी पड़ता है। ताबीज में भी पड़ता है। अच्छा, इसमें कोई तंत्र मंत्र कोई नहीं। अच्छा, कुदरती चीज है, कुदरती चीज है। बट ये लेके जाने देते हैं, यहाँ से लेके जाने देंगे कहीं पर भी, मतलब अलाउड है इसको लेके जाना? नहीं नहीं, क्यों नहीं, अपने घर के यूज के लिए ले जाते। अच्छा, खोल लगा। हाँ,
मेला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, मेला अभी सीएम साहब आएंगे उद्घाटन करने, उसके बाद स्टार्ट होगा, बट तैयारियां सब चल रही है। तब तक हम लोग जाते हैं ये इंडिया नेपाल पुल पे। ये है पूरा मेला और ये है, अभी हम लोग नेपाल की तरफ जा रहे हैं। ये हिल रहा है पुल, पूरा हिल रहा है। ये इंडिया नेपाल को जोड़ता है वो पुल है। अरे वाह, रिवर राफ्टिंग के लिए भी आए हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर मेला है, अभी सीएम साहब आने वाले हैं। ये है मेला। अरे बीच में तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये। ये वाला पुल इंडिया और नेपाल को जोड़ता है, पैदल चलने वाला है। बहुत हिलता है लेकिन बीच में, तो हम लोग अभी इस पुल से आए थे, अभी वापस भी इसी पुल से जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है, चारों तरफ पहाड़ हैं, दो नदियों का संगम है, गोरी गंगा और ये काली नदी का संगम है यहाँ पर। बहुत ब्यूटीफुल, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये साइड भी हिमालय है, आगे भी हिमालय है। मौसम साफ नहीं है अभी, इसको नहीं दिख रहा है। और ये पूरा नेपाल है, हम लोग नेपाल में हैं अभी। ये है इंडिया नेपाल को जोड़ने वाला पुल। और ये है जौलजीबी, आज मेला यहाँ पर लगने वाला है। और ये रिवर राफ्टिंग के लिए लगा रखे हैं गाँव है। लकड़ियाँ ऐसे लेके जाते हैं, जलेबी। ये सब बच्चे लोग सीएम साहब के स्वागत की तैयारी में पहाड़ी ट्रेडिशन पहने हुए हैं। और ये स्काउट वाले बच्चे लोग, ये सब लोग सीएम साहब की तैयारी में स्वागत की। बीच में भक्त उपस्थित आदरणीय राजा श्री भानुराज जी उपस्थित हैं। मैं दिलों की गहराई से आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जलेबी 120 रुपए किलो थी, 120 रुपए किलो है। बारह रुपए की 100 ग्राम। ये 12 रुपए की जलेबी। थैंक यू। Thank you.
जोरदार तालियां आप लोग की बजती रहनी चाहिए। यह संस्कृति है, यह हमारी एकता का परिचायक है। यह मेला अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि इस मेले के माध्यम से दो देशों के लोगों के बीच मुलाकात, सांस्कृतिक विरासतों एवं मूल्यों का आदान प्रदान भी होता रहा है। इसीलिए इस बार भी मित्र राष्ट्र के नामी कलाकारों को एक संध्या के लिए आमंत्रित किया गया है। इस मेले का एक अनूठा आकर्षण विकास प्रदर्शनी रहता है जिनके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं लाभान्वित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए वोकल फॉर लोकल के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए हमने स्थानीय उत्पादों का विक्रय करने वाले स्वयं सहायता समूह तुम्हारा स्वागत लेकर हूँ। भाई बहनों, हमारे बीच में आज सौभाग्य बैठे हमारे प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सन इतनी चमोली जिला रोनी वाल सन हमारे पड़ोसी जिला महेंद्र भट्टू सन विधायक रही सन कई बार सांसद जो हमारे कह कौन एक बात हमारे बीच में ना भारत माता की हमारे बीच में काली और गोरी के संगम,
जलजीवी मेला जो कि हमारा बहुत ही पौराणिक मेला है, बरसों बरसों से यहाँ पर ये मेला आयोजित होता रहा है। आज बड़े सौभाग्य की बात है, बद्रीनाथ भगवान की धरती से चलकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी भी आज हमारे बीच में मेले में पहुँचे हैं। आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी हमारे इस क्षेत्र के सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और आप सबकी समस्याओं के लिए, जरूरतों के लिए, आपदा के समय लगातार आप सबके क्षेत्र में समन्वय बनाने का काम, सहायता करवाने का काम, वकील बनकर वकालत बनने का काम करते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी। और पहले के समय में तो लोग जब मेले में आते थे पैदल ही आना पड़ता था, जब हम छोटे छोटे थे तो कई दिनों तक इस मेले में आते थे और कई दिनों बाद वापस घर लौट कर जाते थे। मेले में आकर मैं एक चीज जरूर ढूंढता हूँ, शिकवा ढूंढता हूँ, मैंने शिकवा भी सुनता। अब आजकल तो लोग पता नहीं प्याज का, लहसुन का, दुनिया भर के जो मसाले होते हैं उसका तड़का लगाते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा कि हमारे बुबू एक डाड़ू में जो है घी रखते थे, डाड़ू में घी रखते थे और वो घी गर्म करते थे, उसमें शिकवा डालते थे और उसी को जो है फिर दाल में डाल देते थे। वो इतना अच्छा होता था जिसकी बात ही नहीं कह सकती, लाजवाब। और आज भी मैं देख रहा था कि वहां दुकान में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा इधर उधर कि शिकवा नहीं दिखाई दे रहा तो उन्होंने मेरे को शिकवा दिया है, मैं उस शिकवा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब वापस से ब्रिज खुल गया, अभी सीएम साहब आए थे तो ब्रिज बंद था, अभी लोग चलने लग गए हैं। I'm not afraid to die.
अब देखिए शादी हो गई है, कब तक मोहन को अपने दिल में बसाएंगे? और जिनसे शादी हुई है वो भी यही है, गोविंद दिखाई जी। गोपुआ बसी रहे हाय ककड़ी जिले मा तून मिसो सिने मा हाय ककड़ी जिले मा तून मिसो सिने मा अलमोड़ा अंग्रेजी आयो टैक्सी में अलमोड़ा अंग्रेजी आयो टैक्सी में पलटू की यह मेला। यहाँ पर पान की दुकानें बहुत ज्यादा है। अभी तक सारी दुकानें खुली नहीं है, कोई कोई खुली है कोई कोई नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पर जौलजीबी में पान की दुकानें, मोमो चाउमीन ये सब बहुत दुकानें हैं, जलेबी आइसक्रीम। रात का 10:30 बज गया, अभी खत्म कर रही है टोपी, हम लोग ने खरीदी है खुमान में टोपी, अभी मेला खत्म हो रहा है, अब सब लोग घर जाने लग गए। पान की दुकान अभी भी खुल रही है, पान की दुकान अभी भी खुली है, सामने भी उधर भी। तो मिलते हैं कल अगली जगह पे, अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।